प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। परमपिता की स्तुति हो, परमपिता को धन्यवाद। परमपिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि जुबली का मतलब क्या है, जुबली वर्ष मनाने से हमें क्या होता है। लेवी ग्रंथ से हमने सुना है जुबली के अवसर पर दास लोग स्वतंत्र किए जाते हैं, जिनके संपत्ति छीन ली गई है वो वापस लौटा दिया जाता है, सबके सब समृद्ध हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं, सब लोग एकत्र हो जाते हैं, इधर उधर तितर बितर हो गए सब वापस आते हैं, सब के सब काम सब बंद करके एक साथ एक परिवार का, एकता का, प्रेम का, न्याय का, शांति का अनुभव करते हुए जीवन बिताते हैं। ये जुबली वर्ष का मतलब है लेवी ग्रंथ के अनुसार। और आज की सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है। क्या के लिए? आप लोगों ने सुना है बहुत सारी बातें, प्रभु का अभिषेक क्यों हुआ, उनके ऊपर पवित्र आत्मा क्यों उतरा, ताकि वो दरिद्रों को सुसमाचार सुनाए, बंदियों को मुक्ति का संदेश सुनाए, अंधों को दृष्टिदान दें, दलितों को स्वतंत्र करें और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करें। कितना सुंदर है जुबली वर्ष का मतलब। आज हम वही मना रहे हैं, करिश्माई नवीकरण के स्वर्ण जयंती हम मना रहे हैं। जयंती वर्ष है हम हरे के लिए, हम हर क्रिश्चियों के लिए ये जयंती वर्ष है। आज हम इस पर मनन करें, ये जयंती वर्ष का मतलब क्या है, करिश्माई नवीकरण का मतलब क्या है, ये कई करिश्माई नवीकरण क्यों हमें चाहिए, हमें क्यों नवीकृत होना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम ये सोचें, पवित्र आत्मा कब से कार्यरत है, पेंतेकोस्त के दिन से या 1967 में जब दुखेन में वो जो करिश्माई बैठक हुई थी उस समय से? नहीं, धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में, सृष्टि के पहले से ही हम ये पढ़ते हैं कि ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता रहा, यानी आत्मा शुरू से ही आत्मा की शक्ति से ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि की। तो आत्मा, ईश्वर का आत्मा प्रारंभ से इस दुनिया की सृष्टि से पहले ही कार्यरत है, और वही आत्मा सदा हमेशा सृष्टि के समय, उसके बाद चुनी हुई प्रजा इज़राइल जाति के जीवन के समय, इतिहास में और बाद में प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के समय, सब में पवित्र आत्मा कार्यरत है, आत्मा की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। अब हम उस आत्मा के नवीकरण के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उसके जयंती समारोह मनाने के लिए
हम यहाँ एकत्र हुए हैं, आत्मा की शक्ति। इसलिए हमें सबसे पहले इसके महत्व को समझना है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कलीसिया के बारे में। अभी जब बच्चे का जन्म होता है हमें कैसे मालूम होता है? जैसे मान लो आजकल सबके सब गर्भवती स्त्री को नर्सिंग होम ले जाते हैं, गर्भवती स्त्री प्रसव कक्ष में ले जाया जाती है, वो अंदर है, बाकी सब बाहर खड़े हैं, इंतजार हैं। आपको कैसे मालूम आप अभी बच्चा हो गया? आपको कैसे मालूम? आप बाहर खड़े हैं, प्रसव कक्ष के बाहर खड़े हैं, प्रसव कक्ष बंद है, अंदर नर्सेस हैं, डॉक्टर हैं और गर्भवती स्त्री है, आप बाहर खड़े हैं। आपको कैसे मालूम कि बच्चे का जन्म हो गया? रोने से। तो बच्चे का जन्म होते ही बच्चे का पहला कार्य क्या है? रोता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर आपको ये मालूम हो जाता है बच्चे का जन्म हो गया है, है कि नहीं? हाँ। कलीसिया का जन्म कब हुआ मालूम नहीं? कब हुआ? क्या कलीसिया का जन्म हुआ? कलीसिया का जन्म कब हुआ? जब प्रेरित मां मरियम के साथ बंद कमरे में थे, प्रार्थना में लगे हुए थे, और उस समय उनके ऊपर कौन आया? पवित्र आत्मा उतर आया। उनके ऊपर जब वे प्रार्थना में लगे हुए थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और उस कमरे में मुझे भी जाने का मौका मिला। जब हम लोग बेतलहम में जब हम लोग एक इंटरसेशन प्रॉफेटिक इंटरसेशन के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे तो हमें वहाँ भी उस कमरे में जहाँ प्रेरित और माँ मरियम इकट्ठे थे प्रार्थना में लगे हुए थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा आग स्वरूप जीव स्वरूप उनके ऊपर उतर आया। वो कमरे में मैं भी गया था। 2 घंटे हम सबके सब वहाँ एकत्र होकर पूरे विश्व के लिए नवीकरण के लिए प्रार्थना किया और वहाँ जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया तब क्या हुआ? जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया उन्होंने क्या किया? सबके सब भाषा का वरदान उनको मिला। भाषा का वरदान, दे प्रेड इन टंग्स, भाषा का वरदान मिला। बंद कमरे को खोल दिया, बाहर आए, निडर होकर सबके सामने उन्होंने सुसमाचार की घोषणा किया। जिसे तुम लोगों ने मार डाला है वो जी उठा है, वो हमारे बीच में है, हम उनके साक्षी हैं। उन्होंने ये घोषणा किया। डर के मारे बंद कमरे में इकट्ठे हुए थे लेकिन जब प्रार्थना में लगे रहे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और वे बाहर आकर सबको संबोधित किया। संत पेत्रुस ने, वहां कलीसिया का जन्म हो रहा है। जब कलीसिया का जन्म हुआ सबसे पहले क्या आवाज सुनाई दी? जैसे बच्चे का जन्म होते ही वो रोता है, रोने से हमें मालूम हो जाता है बच्चे का जन्म हो गया है। कलीसिया का जन्म कैसे हुआ हमें कैसे मालूम है? जैसे जन्म हुआ उन्होंने विभिन्न भाषाएं बोलने लगे, भाषा का वरदान मिला, प्रभु की स्तुति करने लगे भाषा के वरदान से, और वो एक चिन्ह है कलीसिया की शुरुआत का। तो कलीसिया के जन्म में भाषा का वरदान शुरू हुआ है। आज कितने लोग भाषा के वरदान से इनकार करते हैं, सोचते हैं ये तो बेकार है, ये करिश्माटिक लोग ये सब क्यों बोल रहे हैं, ये स्तुति विनती करते हैं और ये ऐसी भाषाएं बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। तो काफी लोग, कई फादर लोग, कई सिस्टर लोग, कई बिशप लोग ये बोलते हैं लेकिन उनको ये मालूम नहीं है
कलीसिया के जन्म होते ही उनका सबसे पहला कार्य भाषा का वरदान था। वो अलग अलग भाषा में ईश्वर की स्तुति करने लगे, ईश्वचन की घोषणा करने लगे। तो कितना सुंदर है ये करिश्माई नवीकरण। इसके बिना कलीसिया अधूरा है, कलीसिया निर्जीव है। कलीसिया का जीवन वहां से शुरू हो रहा है, आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं, आत्मा जागृत हो जाता है उनमें और सब के सब आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं और ईश्वर की इच्छा को पूरा करने लगते हैं। कलीसिया की शुरुआत इस प्रकार हुआ है। तो ये हमारे कलीसिया पेंतेकोस्त के दिन उसका जन्म हुआ है और आदि में कलीसिया एक करिश्माई कलीसिया रहा। आदि में शुरू में हमारी कलीसिया एक करिश्माई कलीसिया रहा है। सबके सब भाषा के वरदान पाए थे, पवित्र आत्मा के वरदान पाए हुए थे, पवित्र आत्मा के फल और दानों से भरपूर थे, चमत्कार दिखाया करते थे। हम देखते हैं पेतरस और योहन मंदिर जाते हैं, वो लंगड़ा वहां बैठा हुआ है, हमारे पास न सोना है न चांदी है लेकिन प्रभु के नाम पर मैं कहता हूं उठो चलो, और वो लंगड़ा उठकर चलने लगा। ये आदि कलीसिया का रूप था। तो आदि कलीसिया करिश्माई कलीसिया रहा है। इसलिए हम कहते हैं हर व्यक्ति जो बपतिस्मा पाया है, बपतिस्मा पाया हुआ हर क्रिस्तीय करिश्मैटिक है। कलीसिया में ये नहीं बोल सकते हैं अरे ये लोग करिश्मैटिक लोग हैं, हम तो नहीं है। फादर रुडोल्फ करिश्मैटिक फादर है, हम दूसरे अन्य फादर लोग हैं, हम करिश्मैटिक नहीं है। ये गलत है। जो ये कहता है हम करिश्मैटिक नहीं है, वो ये कहता है मैं ईसाई नहीं हूं। जो ये कहता है मैं करिश्मैटिक नहीं हूं, वो ईसाई नहीं है। वो ये कहता है मैं ईसाई नहीं हूं। हर बपतिस्मा पाए हुआ क्रिस्तीय करिश्मैटिक है। बपतिस्मा में हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, हम आत्मा के वश में आ जाता है, हमारा जीवन आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा से संचालित, ये एक ईसाई का जीवन है। तो वह कैसे करिश्मैटिक नहीं हो सकता है? तो इसलिए हर बपतिस्मा पाए हुआ क्रिस्तीय करिश्मैटिक है। इसलिए आदि कलीसिया करिश्माई कलीसिया रहा है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? कुछ बातें हुई, कुछ कमियां रही और इसलिए कलीसिया ने उसको रोक दिया। मुंडानिस्ट एक हेरेसी हुआ और उसमें वो लोग ये कहने लगे कैरिज्म्स यानी जो कृपाएं हैं, वरदान है, उसको ज्यादा जोर दिया और जो हायरार्की है उसको बिल्कुल नहीं माने। आज भी ये बातें कुछ कुछ हम देख सकते हैं, जैसे जिन लोगों को कुछ वरदान मिल गया वो कलीसिया को टुकराते हैं। वो ये कहते हैं हम कलीसिया का नहीं है, हम जा रहे हैं अपनी मर्जी, हम प्रचार करेंगे, हम किसी के अधीन नहीं है, हम सीधा पवित्र आत्मा के वश में है, हमें कोई बिशप नहीं है, कोई फादर नहीं है, किसी के अंदर हम नहीं है, हम अपने आप, हमें आत्मा ले जा रहा है। ये गलत है, ये है मुंडानिज्म जैसा था उस समय, ऐसा हुआ। तो इसलिए कलीसिया के अधिकारियों ने उस पर रोक डाल दिया, उसे बंद कर दिया। और फिर वर्ष 315 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन कलीसिया को अपनाया, उसको इंस्टीट्यूशन बनाया और फिर उस समय उसने अडल्ट बैप्टिज्म यानी सयाना होने के बाद जो बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे उसे रोककर बचपन से ही बपतिस्मा देने लगे। अडल्ट बैप्टिज्म को बदलकर इन्फेंट बैप्टिज्म शुरू किया बच्चों के साथ। तो उस समय करिश्माई जो वरदान ये सब समाप्त होने लगा। हमारे कलीसिया एक इंस्टीट्यूशन बन गया। उस समय तक ये एक मूवमेंट रहा, उस समय तक।
आत्मा से प्रेरित था, लेकिन जैसे वो स्ट्रक्चर बन गया, इंस्टीट्यूशन बन गया, कोई खिलाफत नहीं रहा, सबके सब संतुष्ट रहे, आसान हो गया सब कुछ, सब सुविधा हो गया, तो वहां आत्मा का कार्य ज्यादा दिखने नहीं लगा। उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर्ड कलीसिया में कैसे आत्मा का कार्य फिर से प्रारंभ हुआ। एक सिस्टर है एलेना गौरा, वो सिस्टर ने, धर्म बहन ने, ये एक संस्था की स्थापना की, होली स्पिरिट कॉन्ग्रीगेशन। और वो धर्म बहन संत पापा लियो 13वें से बराबर कहती रही, संत पापा को चिट्ठियां लिखती रही, बार बार तंग करती रही और संत पापा से बोलने लगी, ओ संत पापा, हमें कलीसिया में नवीकरण के लिए प्रार्थना करना है, हमें कलीसिया में एक नए पेंतेकोस्त के लिए प्रार्थना करना है, इसकी आवश्यकता है। शुरू में संत पापा लियो 13वें इसे नहीं माना, लेकिन लगातार ये चिट्ठियां लिखती रही, तो संत पापा लियो 13वें ने एक नोवीना, जो नोवीना हम लोग कहते हैं स्वर्गारोहण के बाद, पेंतेकोस्त रविवार के पहले, पेंतेकोस्त की तैयारी में जो नवीना हम करते हैं, वो संत पापा लियो 13वें द्वारा बनाया गया। उन्होंने वो नवीना बनाया और वो नवीना विश्वव्यापी कलीसिया में लोग बोलने लगे करिश्माई नवीकरण के लिए। तो कैथोलिक कलीसिया में पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना शुरू हो गया। धर्म बहन एलेना गौरा के ओर से संत पापा को बार बार बोलने से ये शुरू हुआ प्रार्थना करना। और उस प्रार्थना का फल क्या हुआ? उस प्रार्थना का फल कांसास 1901 में, वर्ष 1901 में संत पापा लियो 13वें पहली बार उन्होंने वेनी क्रियातो स्पिरितो, यानी आ पवित्र आत्मा जो सृष्टि का आत्मा हम पर उतरा, ऐसे ये गीत लैटिन भाषा में गाने लगे और प्रार्थना करने लगे। और उससे क्या हुआ? उस प्रार्थना के फलस्वरूप कैथोलिक कलीसिया में जो प्रार्थना पवित्र आत्मा के वरदान के लिए शुरू हुआ, उसका फल अमेरिका के कैंसास नामक जगह पर एक लड़की को मिली। वो लड़की भाषा के वरदान पाई और प्रार्थना करने लगी। वो पेंटेकोस्ट थी, कैथोलिक नहीं थी, और वहां से पेंटेकोस्टलिज्म शुरू हुआ। लेकिन ये कैथोलिक कलीसिया में जो प्रार्थना शुरू हुई, उसका असर वहां उस बहन को मिला जो कैथोलिक कलीसिया के सदस्य नहीं थी। वहां से पेंटेकोस्टलिज्म शुरू हुआ। उसके बाद 1959 में संत पापा योहन 23वां, वो आज संत है, संत योहन 23वां ने वातिकान, द्वितीय वातिकान सभा को बुलाने के लिए तैयारी की 1959 ईस्वी में। उस समय भी उन्होंने एक प्रार्थना किया और वो प्रार्थना इस प्रकार है, हे प्रभु, इस समय आत्मा के जो वरदान है वो कलीसिया में पूर्ण रूप से हमारे समय में भी हो जाए। इस तरीके से वो द्वितीय वातिकान महासभा बुलाते समय संत पापा योहन 23वां ने ये प्रार्थना जारी किया और फिर वातिकान, द्वितीय वातिकान महासभा प्रारंभ हुआ। और द्वितीय वातिकान महासभा 1965 ईस्वी में द्वितीय वातिकान महासभा समाप्त हुआ।